थोड़ा नीचे कर लो, सबके आगे आगे भाई शुरू। हाँ सर, क्या मामला है, किस तरीके की कार्रवाई? हाँ, परिवादी जो है हमारे सत्यनारायण खारोल है, निवासी अजमेर ही है, तो उसने आज आकर के एसीबी कार्यालय में जो है सूचना दी कि जो है मैं एक हैंडपम्प मिस्त्री का टाइप का ठेकेदार हूँ और पीएचईडी में मेरा काम चल रहा है। तो मेरे जो है पूर्व के कुछ एक बिल है, करीब 4-1 लाख के बिल हैं, उनको पास करने और साथ में उनकी कुछ जो एक्स्ट्रा आइटम जो होता है उसको जो एसी से अप्रूव कराना पड़ता है, उसके लिए लेटर लिखने की एवज में जेईएन और एएन जो है वो पैसा मांग रहे हैं। और इस पर वेरिफिकेशन कराया गया, वेरिफिकेशन में एएन द्वारा 23,000 रुपये की डिमांड की गई जबकि जेईएन द्वारा 14,500 रुपये की डिमांड की गई। इस पर आज ही जो है टीएलओ श्री महिपाल जी को अपॉइंट करके और ट्रैप की कार्रवाई की गई। ट्रैप के दौरान चूँकि परिवादी के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे तो उसने बताया, तो इन्होंने कहा कि जितना अभी हो सके उतना दे दो। इस पर परिवादी ने 10,000 रुपये तो एएन को और 5,000 रुपये जेईएन को देते हुए हमने रंगे हाथों ट्रैप किया है उसको। एएन से पैसे रिकवर हो गए हैं, जेईएन द्वारा जो है पैसे जेब में लिए गए हैं, पेंट की जेब में रखने के बाद में उसने जैसे ही चूँकि जो है एएन थोड़ा आगे आगे थे, जब तक हमने उसको एएन को पकड़ा तब तक उसने कहीं मौका देख करके पैसे फेंक दिए हैं, उनके कलर आ गया हाथों पर और जेब में, और उसकी सर्च जो है हमें परिसर की तलाशी जारी है, वो 5,000 रुपये रिकवर करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो फिर रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जाएगी। कोई प्रोटेस्ट हुआ इस दौरान? नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। सर, इसके अंदर कोई पुराना रिकॉर्ड इनका पहले भी कोई पुराना रिकॉर्ड वाला अभी हम शुरू में नहीं देखते, बाद में जो है इसके अनुसंधान के दौरान इस चीज़ की भी वेरिफिकेशन की जाएगी कि आम शोहरत जो है हमें पता लगी कि दोनों की बड़ी ख़राब है, और भी अगर इनके पहले कोई शिकायतें होंगी तो अनुसंधान के दौरान क्लियर किया जाएगा। ठीक है।